दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कंप्यूटर सिस्टम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम का क्या नाम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है, क्या रैम है, क्या ग्राफिक्स है। इसके अलावा आप हार्डवेयर के एक पार्ट को भी आप देख सकते हो। इसके अलावा भी हमने डॉस से कमांड के माध्यम से सिस्टम की इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, आई बटन पर जाकर के देख सकते हो। का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइप तनवीर में। तो इस वीडियो में जैसा कि हमने बताया कि हम लोग जानेंगे कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का कैसे हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, सिस्टम को आप यूज कर रहे हो, इसके अलावा क्या रैम है, कौन सा कितने बिट का है, और ग्राफिक्स रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, एक एक पार्ट से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। चलते हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम को इन्फॉर्मेशन को कैसे चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि कुछ इन्फॉर्मेशन को चेक करना है, तो आप क्या काम करें, मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ आपसे कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर का क्या नाम है, तो आपको क्या करना होगा, कंप्यूटर के आइकन पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ देखिए विंडोज 7 अल्टीमेट यूज किया जा रहा है, रैम 2 GB दे रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे तनु पीसी दिख रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक ही जगह सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए, तो आपको करना क्या होगा, रन कमांड पे जाने के बाद आपको टाइप करना होगा MS Info 32, नेक्स्ट ओके कर देंगे। जैसे ही आप अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे रहा है, वर्जन भी दे रहा है, इसके अलावा सिस्टम का नाम दे रहा है, कौन सा 32 बिट है, 64 बिट यहाँ पे दे रहा है, प्रोसेसर कौन सा है, बायोस का वर्जन दे रहा है, एक एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, क्या मेमोरी यूज किया। इसके अलावा आप हार्डवेयर रिसोर्सेज पे डबल क्लिक करेंगे, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टर कैटेगरी दे रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए इस प्रकार से आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें मेमोरी के बारे में जानना है, तो इस पर डबल क्लिक करिए, देखिए मेमोरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर हमें कंपोनेंट के बारे में जानना है, तो इसमें कौन सा कंपोनेंट के बारे में जानना है, सपोज करिए कि हमें स्टोरेज के बारे में जानना है, स्टोरेज में डिस्क की बात कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर दे रहा है मैन्युफैक्चरर, ये हार्ड डिस्क को किसने बनाया है, ठीक है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे कितनी साइज का है ऑपरेटिंग, ये पार्टीशन साइज, ये सब आपको मिल जाएगा। इसके अलावा USB, सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट, आप सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से चेक कर सकते हो और बता सकते हो आप।